लेक्चर नंबर 3 क्लास 8 सब्जेक्ट सिंधी सबक नंबर 4 कायदे आजम दरशाह सवाल नंबर 1 कायदे आजम शागिर्दन के नसीहत कंदे केड़ी गाली दा संदन ध्यान चुकायो आए जवाब कायदे आजम फरमायो तमाम मुस्तकबिल जा मेहमान आयो पांजी शख्सियत में नज़्म व ज़ब्त पैदा करयो मुनासिब तालीम ऐन मौजू तरबियत हासिल करयो तालीम पकड़न लाए हर तकलीफ बर्दाश्त करो हर वक्त तालीमी अमल में मसरूफ रहो सवाल नंबर 2 सरकारी मुलाज़मन के कायदे आज़म कड़ी हिदायत कई आए जवाब कायदे आज़म फरमायो अवां हिक बे सां ताबुन कंदा रहो दुनिया में तव्हां जे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे अवां खे कंहिं बि क़िस्म जे दबाउ जो शिकार न थियणु घुरिजे अवां अवाम ऐं मुल्क जे सचे ख़ादिम जी हैसियत सां ख़िदमत कंदा रहो ऐं पंहिंजा फर्ज़ बेख़ौफ़ी ऐं ईमानदारी सां पूरा कंदा रहो सवाल नंबर 3 क़ाइदे आज़म ख़्याल मूजिबि पाकिस्तान कहिड़े मक़सद खे हासिल करण लाइ क़ाइमु कयो वियो हो जवाब क़ाइदे आज़म जे ख़्याल मूजिबि पाकिस्तान हासिल करण जो मक़सद इहो हो त असां हिकु अहिड़ी ममलिकत हासिल करियूं जिते असीं पंहिंजे रिवायतनि ऐं तमदुनी ख़सूसियतनि मुताबिक़ तरक़ी करे सघूं इस्लाम जे अदल ऐं हिकु जहिड़ाई जे असूलनि ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिलु हुजे